हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीक अग्रवाल D29 में है और आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता। अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है, चाहे आरबीसी चाहे एनसीईआरटी, दोनों में यूनिट फर्स्ट ही है। और यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी यहाँ तक, यानी राजस्थान बोर्ड में फ्रॉम चैप्टर 1 to 4 ये जो है वो यूनिट 1 है। पहले इसके अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें अकॉर्डिंग टू आरबीसी। इसमें चैप्टर संख्या 1 से 4 जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर। अब इसमें से क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आते हैं, चैप्टर फर्स्ट प्लस चैप्टर सेकंड, और दूसरा भाग बनता है इसमें चैप्टर थर्ड प्लस चैप्टर फोर, यानी तीसरा जो कल अपन ने कंप्लीट किया है D28 में, और फोर्थ जो हम शुरू कर रहे हैं वो। इन दोनों को मिला के यहां से एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, इन दोनों को मिला के यहां से एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और दोनों के बीच में ऑप्शन होता है कि चाहो तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे हम ये अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट करना होता है। दूसरा ये तो 4 मार्क्स, फिर बाकी बचे 2 मार्क्स और बच गए, तो इनके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 भी आ जाते हैं, 2 मार्क्स का 1 भी दे देते हैं, ज्यादातर 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दे देते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है उनके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि वो फर्स्ट में से आएंगे, सेकंड में से आएंगे, थर्ड में से आएंगे, फोर्थ में से आएंगे, क्या आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टोटल चैप्टर ही फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसीलिए मैक्सिमम स्कोरिंग के लिए अपने को पॉइंट टू पॉइंट पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है, तभी मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अगर अपने इस तरह से इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर वो उतना ही मार्क्स भी उतने ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कम हो जाएंगे, क्योंकि जब हम आधा पार्ट छोड़ देंगे, मान लो अगर ये देखते हैं कि 1 + 2 में आ जाते हैं इसमें से 4 मार्क्स का, तो अपने इसको छोड़ दे, तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो फिर अपने अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, वो यहां से कहीं से भी आ सकते हैं। इसलिए एक तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि सिलेबस जो है वो कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे आप, उसको कंप्लीट करें शुरू से लेकर लास्ट तक, जितने भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी में 15 है और आरबीसी में 17 है, लेकिन सिलेबस सेम ही है। वो कहीं 2 चैप्टर को 1 चैप्टर को 2 टुकड़ों में कर दिया, कहीं 2 चैप्टर को 1 पार्ट में कर दिया, बस यही है। पॉइंट्स में किसी भी तरह के टॉपिक के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो हुई इसकी बात, यानी अब हम यूनिट फर्स्ट के लास्ट चैप्टर में आ गए हैं यूनिट फर्स्ट के, और एनसीईआरटी में भी यही है, जो सीबीएसई पैटर्न चलता है इंग्लिश मीडियम उसके अंदर भी यही सिस्टम है, उसमें भी यूनिट फर्स्ट है, उसमें मार्किंग थोड़ी सी ज्यादा होगी इसके अंदर, शायद 7 या 5 सब्जेक्ट है, ये वो मेरे को कन्फर्म ध्यान नहीं है, वो अपने देख के बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो एक तो आपकी मार्किंग का जरूर ध्यान रखें ताकि आपको ये पता रहे कहां से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कहां से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी करें। तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन कन्फर्म है, 110% आएगा ही आएगा, इसलिए आपको लाइन टू लाइन हर न्यूमेरिकल, हर डेफिनेशन और फॉर्मूला और इसके यूनिट्स, डायमेंशन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस के बाद में पहुंचेंगे, पहले इसकी कुछ बेसिक बातें हैं उनकी हम डिस्कस करेंगे आज, फिर बाद में बात करेंगे कि कैपेसिटेंस धारिता क्या होती है, क्या यूज है, क्या उसके आगे सॉल्यूशन वगैरह है। सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं चालक और कुचालकों की। सामान्य बातें कक्षा 9 में 8 में 10 में 6 से शुरू हो जाती है चालक कुचालक, इसको विद्युत रोधी भी कह देते हैं, विद्युत रोधी। चालक क्या होता है, ज्यादा इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ये इतना 12th लेवल की बातें नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको जो डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नहीं पता हो तो इतना सब ध्यान रखना, बाकी ऐसे कोई डेफिनेशन पार्ट ये नहीं है। चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, जितनी भी धातुएं हैं वो सारे चालक हैं, उनमें कौन अच्छी चालक है, कौन कम है, जिसमें करंट की मात्रा कम प्रवाहित हो सकती है तुलनात्मक, वो उसकी चालकता कम होती है, जिसमें ज्यादा प्रवाहित हो सकती है उसकी चालकता ज्यादा होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको प्रतिरोधकता के रूप में, रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी डिफाइन करेंगे।
और कुचालक की चीजें धारा प्रवाहित नहीं हो सकते, यानी कि नियम सामान्य स्थिति में या धारा जो का प्रवाह जो है वो संभव नहीं हो सकता, उनको विद्युत रोधी कह देते हैं या कुचालक कहते हैं। जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, ये मोम है, ये सब क्या है, कुचालक है, इनके अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इनको विद्युत रोधी भी कहते हैं। अब यहाँ एक वर्ड का हम और यूज करेंगे जो सबसे ज्यादा पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंड है, वो है पराविद्युत। पराविद्युत पदार्थ, पराविद्युत क्या होता है, विद्युत रोधी पराविद्युत होता है। पराविद्युत है मतलब विद्युत से जो परे हो पराविद्युत होता है, ठीक है, जो विद्युत से परे हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वो पराविद्युत। यानी कुचालक पदार्थ को या विद्युत रोधी पदार्थ को ही हम इस चैप्टर में क्या यूज करेंगे, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वर्ड यूज करेंगे, इस वर्ड का ज्यादा यूज करेंगे, डाइलेक्ट्रिक सबिस्टांस, डाइलेक्ट्रिक सबिस्टांस। पराविद्युत पदार्थ की बात करेंगे, पराविद्युत पदार्थ यानी जिसमें सामान्य धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, कुचालक पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, उसको ही पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। तो सिंपल आप ध्यान रख सकते हो, कुचालक जो है पराविद्युत होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि पराविद्युत क्या है, कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं पराविद्युत पदार्थ, ध्रुवीय और अध्रुवीय, उनकी बात करेंगे कि वो क्या होते हैं, फिर कैसे जब इनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है तो फिर ये विद्युत धारिता में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो हम इसके अंदर बात करेंगे आगे। अब आते हैं आगे पराविद्युत पदार्थ, इसमें एक डेफिनेशन है नेक्स्ट जो हमने बात की है अभी कि पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं। वैसे कुचालक कह सकते हैं, पराविद्युत पदार्थ को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है लेकिन फिर भी इनको जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इनपे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो इनमें भी विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, करंट से संबंधित जो प्रभाव है वो उत्पन्न हो जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण वही है विद्युत धारिता जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन विद्युत धारिता पढ़ने के लिए पहले हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि विद्युत धारिता कैसे क्रिएट कैसे होती है और कैसे आवेशों को संचित कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पराविद्युत पदार्थ है क्या, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती है लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उनको पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे एबोनाइट है, मोम है, कागज है, तेल है, ये सब चीज, ये जो सब एग्जाम्पल है वो पराविद्युत पदार्थ ही है। तो आप इनके एग्जाम्पल्स का भी ध्यान रखेंगे, वैसे सिंपल है सारे लेकिन फिर भी आप इनको अलग अलग ध्यान रखें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो वन मार्क्स क्वेश्चन है, उसके अंदर कुछ भी एक वर्ड का हमें यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके एग्जाम्पल बताओ, इसके एक उदाहरण बताओ, दो उदाहरण बताओ, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखें साथ साथ कि शॉर्ट क्वेश्चन लाइन टू लाइन कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये तो अब बात हो गई पराविद्युत पदार्थ की। तो इसमें पराविद्युत पदार्थ में आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्य स्थिति में तो इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, कैसे लगाते हैं विद्युत क्षेत्र, बैटरी लगाते हैं प्लस टू माइनस, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, वो भी हम बात करेंगे कैसे होती है वो प्रक्रिया। जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर भी अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो बात करेंगे हम कैसे उत्पन्न होते हैं। तो यानी अभी ये बात कर लें परिभाषा में केवल कि इसके अंदर भी विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र में रखने पर। जब तक विद्युत क्षेत्र में नहीं रखेंगे तब तक कोई प्रक्रिया नहीं होगी, विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद ये प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत प्रभाव, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं पराविद्युत पदार्थ। इसीलिए ये वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, सबसे ज्यादा इसका हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक का मतलब पता होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक्स कह देते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब जो इस तरह के जो मटेरियल है उनको वर्ड दे देते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, ऐसे पदार्थ होंगे। अब ऐसे जो पदार्थ है पराविद्युत पदार्थ वो दो तरह के होते हैं, अब उनकी बात करेंगे। एक होते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, ध्रुवीय कहते हैं, ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं या ध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं, एक ही बात है। और दूसरा होता है अध्रुवीय। अब हम दोनों की अलग अलग बात करेंगे कि ध्रुवीय में क्या कंडीशंस होती है, अध्रुवीय में क्या होती है। इनको पोलर कहते हैं, इनको पोलर मेटीरियल्स, और इनको कहते हैं नॉन पोलर। अब हम इनकी बात करेंगे कि क्या इसके अंदर क्या कंडीशन, क्या क्या डेफिनेशन है इसकी। अब इसमें नंबर एक है ध्रुवीय पराविद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र है वो
संपाति नहीं होते हैं, एक दूसरे पर संपाति नहीं होकर अलग अलग होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो द्रव्यमान जो जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र कोई भी अणु है तो उसके परमाणु से मिलकर बड़ा होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो वहां दोनों के जो केंद्र है वो संपाति न होकर अलग अलग होते हैं, ऐसे ही चार पदार्थ क्या कहलाते हैं ध्रुवीय परमाणु। अब इनकी विशेषता क्या है कि इनके अंदर द्विध्रुव आवरण जीरो नहीं होगा, एक बात तो ये ठीक है, इनका खुद का प्रत्येक अणु का अलग से स्थायी द्विध्रुव आवरण होगा, पूरे पदार्थ का ये ध्यान रखें खुद का जीरो नहीं होगा, पूरे पदार्थ का जीरो हो सकता है, वो कैसे होगा वो बात करेंगे उसके अंदर आगे, कि प्रत्येक अणु का खुद का स्थायी द्विध्रुव आवरण होगा। अब द्विध्रुव आवरण है क्या, ये हम पहले बात कर चुके हैं अपने पहले की क्लासेस के अंदर कि द्विध्रुव आवरण क्या हो रहा है, कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं जहां वहां दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है तो वो डायपोल क्रिएट करते हैं, डायपोल बढ़ाते हैं, और डायपोल जो है वो डायपोल मूवमेंट क्रिएट करता है, पी इक्वल टू क्यू इंटू ट्वेल्व हमने लिखा था, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो है वो क्या कहलाता है, वही डायपोल मूवमेंट कहलाता है। तो इसमें डायपोल मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है, और प्रत्येक अणु जो है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, डायपोल की तरह व्यवहार करता है। यहां पर देखें फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोराइड जो है और H2O जो है ये क्या है, ये एग्जांपल है किसके, ध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ के, क्योंकि इसके अंदर देखो क्लोरीन माइनस है और ये प्लस है, द्विध्रुव आवरण की जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस होती है, तो इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो माइनस टू प्लस इस तरफ हो जाएगी। H2O ले तो इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु है, ऑक्सीजन का एक है, तो ये इस तरह से इसकी H2O की व्यवस्था होती है, बीच में एंगल होता है इसके अंदर कुछ, तो इसमें क्या हुआ माइनस टू प्लस, इधर P1 हो गया इसका द्विध्रुव आवरण, इसका द्विध्रुव आवरण। तो हम पहले बात कर चुके हैं जैसे फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनकी बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं कि अगर E1 और E2 दो कोणों पर हो, E1 और E2 बीच में थीटा है, तो परिणामी जो मान है वो क्या होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ थीटा, इसके रूट के इक्वल होगा। तो वही बात यहां पर भी है, इसका मतलब इनका परिणामी जो वो कहां होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं उपस्थित होगा, वो इन दोनों के द्वारा हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा इस एंगल पर, दो एंगल है P1 और P2 के बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा। तो ये तो बात हो गई कि इसकी ध्रुवीय परावैद्युत की, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि आवेश के जो वितरण केंद्र है वो संपाती नहीं होते, जिनमें अध्रुवीय होते हैं जिनका खुद का द्विध्रुव आवरण नहीं होता है, जीरो होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, उनके केंद्र संपाती होते हैं, तो वहां खुद का जो परिणामी द्विध्रुव आवरण है वो शून्य हो जाता है, यहां इनका द्विध्रुव आवरण शून्य नहीं होता है। दूसरा, प्रत्येक अणु द्विध्रुव की आवरण की कार्य करता है, प्रत्येक अणु खुद का द्विध्रुव आवरण होता है, और इसका मतलब खुद भी एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। अब देखो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण इसके अंदर कैसी कंडीशन होती है वो इसी में बात करेंगे, अभी हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की बात कर रहे हैं। देखा आगे इसमें कि ध्रुवीय पदार्थ जो हम बात कर रहे हैं जिनमें जो इनके वितरण केंद्र है अणु के अंदर जो परमाणु उपस्थित होंगे वो एक दूसरे पर संपाती नहीं होते हैं और अलग अलग होते हैं, तो वो अलग अलग जो है वो क्या क्रिएट कर देते हैं, द्विध्रुव आवरण क्रिएट करते हैं, वो बात हम कर चुके हैं। आगे बात करते हैं इसमें कि अब इसमें विद्युत क्षेत्र में कैसे अंदर उत्पन्न होता है इन पदार्थों में, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा क्या ली हमने, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य स्थिति में तो जो क्या रहते हैं वो कुछ अलग होते हैं, लेकिन इनमें जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो इनके अंदर भी विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, यानी विद्युत प्रभाव का मतलब सिंपल कह सकते हैं कि इनके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो पोटेंशियल भी हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा तो फिर उसको आगे से आगे रिलेट करके धारिता को परिभाषित करेंगे हम, फिर वो धारिता उत्पन्न हो जाएगी, उससे संबंधित फिर आगे कुछ और बातें होंगी। अब देखो एक बात तो इसके अंदर हमने करी है कि प्रत्येक अणु का खुद का द्विध्रुव आवरण होता है माइनस प्लस, जिनके अंदर नहीं होता है उनको हम इस तरह से शो कर देते हैं कि प्लस माइनस वही होते हैं, इसीलिए उतना ही प्लस उतना ही माइनस जीरो, वहां पर वैल्यू जीरो हो जाती है, इनके अंदर डिस्टेंस रहती है इसीलिए इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, थोड़ा लंबाई से बना लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखना अगर हम इस तरह से यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये कैसे अणु है, ये नॉन पोलर है, और अगर इस तरह से यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये कैसे हैं, पोलर हैं।
अब यहाँ जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया जाता है तो ये खुद के रीअरेंजमेंट से इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनमें रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो जीरो हो जाता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कैसे जीरो हो जाता है, अब खुद के पास एनर्जी आई कहां से व्यवस्थित होने के लिए, ये बात भी है। तो यहां अंदर जो परमाणु उपस्थित है, जो ये अणु उपस्थित है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया HCl का H2 का, ये अणु उपस्थित है, इनके अंदर पदार्थ के अंदर एनर्जी होती है और वो एनर्जी कौन सी होती है, वो होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल यानी तापीय ऊर्जा होती है, टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25-27 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूम कर लेते हमें, तो वो टेम्परेचर क्या होता है, वो भी इनको एनर्जी देने के लिए बोध होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में भी इसी की बात करेंगे। तापीय जो ऊर्जा है वो यहाँ इलेक्ट्रॉनों के लिए, परमाणुओं के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। तो यहाँ इस थर्मल एनर्जी के कारण ये जो परमाणु है अंदर उपस्थित है, ये सारे इस तरह से बढ़ा के एक बंद भाग बढ़ा लेते हैं, तो जिससे इनमें रोटेशन जीरो हो जाता है। यानी एक दूसरे को ये क्या करते हैं, इनकी संरचनाएं की व्यवस्था इस प्रकार से हो जाती है कि एक दूसरे को ये बैलेंस कर देते हैं और इसके अंदर पी का मान जीरो हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से क्या रिजल्ट निकला। थ्योरेटिकली लिखे हम तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कौन से अणु, ये ध्रुवीय पदार्थों में परिणामी आघूर्ण शून्य होता है, ये बात ध्यान रखना। शॉर्ट में आप ये कह सकते हो व्हेन ई इज इक्वल टू जीरो देन पी विल बी ऑल्सो जीरो। सिंपल अगर आपको ये बात पता है तो आप इसकी लैंग्वेज बना सकते हैं। क्यों होता है ये, इस कारण होता है, यहां से इसकी कंडीशन में लिख लिए। थ्योरेटिकली आप बात करें तो इतना इसमें लिख सकते हैं, जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो ध्रुवीय पदार्थों के अणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उनकी आंतरिक तापीय ऊर्जा के कारण कि उसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। ये तो किसकी बात हो गई, व्हेन ई इज एब्सेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वहां एब्सेंट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ये बात आप ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा तो इन वर्ड का यूज जरूर किया जाएगा कि विद्युत क्षेत्र उपस्थित है या नहीं है। तो उपस्थित है तो आपको समझना है कि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो क्या है, उपस्थित है तो क्या है। अनुपस्थित है तो वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं हो रहा, तो बाहर से तो कोई प्रभाव है नहीं, तो पदार्थ में कौन सा प्रभाव बचा, केवल अंदर के अणु का खुद का प्रभाव बचा। और अणुओं में खुद में आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो ड्यू टू टेम्परेचर आती है, तापमान के कारण तापीय ऊर्जा होती है, उस तापीय ऊर्जा के कारण ये इस तरह से रीअरेंज हो जाते हैं, इस तरह से पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होता है। तो आपको दो बातें याद रखनी है, व्हेन ई इज इक्वल टू जीरो देन पी इज इक्वल टू जीरो इन पोलर डायनेमिक्स। अब बात करते हैं उपस्थिति में क्या होता है, क्योंकि ये बात फिर आगे सारी यही डायग्राम फिर काम आने वाले हैं, अभी आगे सारा पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। अगर ये बातें आपको क्लियर हो जाती है फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां देखो विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में पता है कि इस तरह से होता है, प्लस से माइनस की ओर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं बढ़ चुकी हैं कि प्लस से निकलती है और किधर पहुंचती है, माइनस पे पहुंचती है। तो इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या लगा रहे हैं, इसमें बैटरी लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं किधर, प्लस से माइनस की ओर। अब ये कोई अणु है, ये अगर इन पर विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो इन पे क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर लगाएंगे तो इन पे बल लगाया जाएगा विद्युत क्षेत्र के कारण, आवेश इनके अंदर है ही, उस बल के कारण क्या हो जाएंगे, ये व्यवस्थित हो जाएंगे। इधर प्लस है, प्लस से माइनस है, तो इधर इसका जो इस द्विध्रुव का माइनस भाग है वो इधर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर तो आ जाएगा माइनस पार्ट। ठीक है, वहां आपको एग्जाम में इतना ही लिखा हुआ मिलेगा कि ई की उपस्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम ई लिख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो इधर क्या होगा, द्विध्रुव का माइनस पार्ट अट्रैक्ट होगा और इधर द्विध्रुव का प्लस पार्ट अट्रैक्ट होगा। इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसके अंदर देखें तो एक व्यवस्थित हो गया, तो ये जो द्विध्रुव है इनके द्विध्रुव आघूर्ण जुड़ जाएंगे सभी के, एक व्यवस्था में हो गए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, माइनस से प्लस, तो ये देखो माइनस से प्लस, ये देखो माइनस से प्लस, ये हो गया एक ही दिशा में, इसलिए ऐड हो जाएंगे। दूसरी बात, इनके अंदर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, विद्युत क्षेत्र
किसके कारण? ये तो प्लस माइनस बन रहे हैं इनके कारण। यहां क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया प्लस से माइनस की ओर, तो ये प्लस इधर अट्रैक्ट रहेगा, ये माइनस इधर अट्रैक्ट रहेगा। अब ये बीच के आवेशों कहें तो हम ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, ये बैलेंस कर सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो इनका जो परिणाम है वो तो जीरो हो गया, लेकिन ये जो कॉर्नर के आवेश हैं प्लस और इधर माइनस, ये क्या हो जाएंगे, इसके अंदर शेष बच जाएंगे प्लस से माइनस। अब हमें पता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से माइनस, इसलिए इसके अंदर विद्युत क्षेत्र प्लस इधर है इधर, तो और इधर क्या है माइनस, इसलिए प्लस से माइनस की ओर इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। यानी हम इसको, इस विद्युत क्षेत्र को ईओ कह सकते हैं, हम इनका यूज करेंगे बाद में सिंबल्स का डायरेक्ट, ईओ कह सकते हैं यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये कह सकते हैं, और इसको हम लिख देते हैं ईपी। ईपी क्या होता है, ईपी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ध्रुवण के कारण। अब ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण एक वर्ड आ गया अपने पास, ध्रुवण की बात कर लेते हैं। ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर द्विध्रुव के व्यवस्थित होने की प्रक्रिया, अणुओं के संरेखित, संरेखित मतलब लीनियरली एक ही लाइन में व्यवस्थित होने की जो प्रक्रिया है उसको ही क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तब तो ध्रुवण हो ही नहीं रहा, तब तो ये एक लाइन में व्यवस्थित नहीं है। जब विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें तो अणुओं के संरेखित होने की जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था ऐसी, वो क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। पी से लिखते हैं इसको, ध्रुवण से दिश भी कह देते हैं, पी वेक्टर से। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है किसके कारण आया है, ड्यू टू पोलराइजेशन, इसको पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन ध्रुवण के कारण, तो ध्रुवण के कारण है इसलिए इसको कह देते हैं ईपी। तो अब देखो रिजल्टेंट की अगर बात की जाए, रिजल्टेंट ई नेट की, इसके अंदर ई नेट की बात करें, ई नेट की अभी हम बात कर लेंगे, इसके बारे में थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत हमें डिजाइन करना तो कैसे करें। ई नेट की अगर बात करें, नेट का मतलब टोटल रिजल्टेंट वैल्यू, तो क्या है कि ई नोट तो बाहर से अप्लाई किया था वो, और जो अंदर क्रिएट हुआ है वो अंदर के अणुओं के कारण हुआ है, और वो क्या है ईपी है, और वो किसकी डायरेक्शन में, देखो इसकी डायरेक्शन ये है और अंदर वाला डायरेक्शन ये है, तो अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस हो गया, तो ई नोट माइनस क्या आ गया, ईपी आ गया। तो ये अगर रिजल्टेंट इसकी इक्वेशन बनानी हो तो वैल्यू आ जाएगी ई नेट इज इक्वल टू ई जीरो माइनस या ई ओ माइनस ईपी। अब बात करें कि इसके थ्योरेटिकल मैट्रिक की, तो आपको इसमें क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय पदार्थों के अणु विद्युत क्षेत्र के कारण संरेखित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण इनके योग के बराबर होता है, और इसके अंदर, इस पराविद्युत पदार्थ के अंदर आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में पराविद्युत पदार्थ के कारण ध्रुवण की स्थिति होती है, उसके कारण इसमें पराविद्युत पदार्थ में अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। तो शॉर्ट में आप इतना बता सकते हैं इसके अंदर, एक बात तो ये आप ये कहेंगे कि when E is not equal to zero then P is also not equal to zero, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब E की वैल्यू जीरो नहीं है, आरोपित विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं है, तो P का मान भी जीरो नहीं होगा, यानी P भी कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिलेगा। बाकी बात करें इसके अंदर कि बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत पदार्थ के अणु विद्युत क्षेत्र के कारण संरेखित हो जाते हैं, इसे पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन
जिसे पदार्थ में आरोपित विद्युत क्षेत्र क्या है ईओ की विपरीत दिशा में ध्रुवण के कारण विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न होता है। अतः ई नेट इज इक्वल टू ईओ माइनस ईपी। अब अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया प्लस टू माइनस हो गया विद्युत क्षेत्र, तो ये तो आ गया विद्युत प्रभाव। अब हम बात करेंगे आगे की कि ये आगे काम कैसे आए, कैसे इनका यूज होगा आगे ये टॉपिक में। तो अब आपको ये जानना है कि विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है तो इनके अंदर प्राय विद्युत पदार्थ में ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण क्या होता है, संरेखित होने की जो प्रक्रिया है, द्विध्रुव आघूर्ण के आघूर्णों के जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। और उस ध्रुवण के कारण विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी ये कह सकते हैं आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण प्राय विद्युत पदार्थ के अणुओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। शॉर्ट में आप ये बात कह सकते हो। अब बात करते हैं अध्रुवीय की, एक बात और रहेगी अध्रुवीय और डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे ये टॉपिक करेंगे इसके अंदर। सेकेंड बात आती है इसके अंदर अध्रुवीय प्राविद्युत, अध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ भी होते हैं जिनमें अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र जो है एक ही बिंदु पर होते हैं यानी संपाति होते हैं, उनको कहते हैं अध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ। जब प्राविद्युत वर्ड आ गया तो प्राविद्युत वर्ड का मतलब है कि वो सारी बात आ गई जो इसकी डेफिनेशन है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें वैसे तो ये कुछ अलग होते हैं लेकिन जब इन पर ई आरोपित करते हैं विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान उत्पन्न हो जाता है, इनके द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, प्रेरित का मतलब उत्पन्न हो जाता है। तो किसकी प्रेरणा से, जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है उसकी प्रेरणा से, इसलिए इसको प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। ये कहते हैं कि आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण प्रेरित विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होना या विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। तो अगर ये प्राविद्युत पदार्थ जब आ गया तो इसका मतलब ये इतनी बात अंडरस्टूड है, ये होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ध्यान रहेगी तो आपको पोलर नॉन पोलर में कंफ्यूजन नहीं होगी। पोलर है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पी प्रोड्यूस होगा द्विध्रुव आघूर्ण, और नॉन पोलर है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पी प्रोड्यूस होगा द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू उत्तर होगी। यहां पर भी वही बात है कि इनमें क्या होता है, केंद्र जो बिंदु जो होता है इनके धनावेश और ऋणावेश के वो एक ही होता है इसलिए संपाति होते हैं। तो इनके अंदर सामान्य स्थिति में ये स्थितियां होती है, प्लस माइनस एक ही जगह पर है तो क्या हो गया, P की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गई, जीरो हो गई। विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो ये स्थिति रहती है इनके अंदर। तो आपको दोनों में ये ध्यान है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये नहीं है कि यह ध्रुवीय है या तो उसके अंदर जीरो होगा, लेकिन ध्रुवीय है तो उसके अंदर ध्रुवण है, ध्रुवण तो उसके अंदर है लेकिन वो अलग से एक अणु का है, अपना अपना अलग अलग है। लेकिन जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं व्यवस्था की सबका जो मिलाकर प्रेजेंटेड है वो क्या होता है, जीरो, एक का जितना पॉजिटिव उतना दूसरे का नेगेटिव होता है, तो इस तरह से वैल्यू क्या हो जाती है, रिजल्टेड वैल्यू जीरो हो जाती है। अब इसमें भी वही बात है, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो ये जो प्राविद्युत पदार्थ के अणु है वो विद्युत क्षेत्र की कारण संरेखित हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं तो वहां क्या स्थिति होगी, वो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वहां पी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, यानी यहाँ पी होगा द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ होगा। तो दोनों ही स्थितियों में एक बात, एक रिजल्ट सामने आ रहा है जो रिजल्ट महत्वपूर्ण है कि जब भी प्राविद्युत पदार्थ, कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं, प्राविद्युत पदार्थ पे भारी विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, इस घटना को ध्रुवण कहते हैं, पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब आप कर देंगे इसमें आगे की, तो एक बात आप इस ध्रुवण की वजह से परिभाषा लिख चुके हैं, फिर भी आप ये ध्रुवण जरूर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हम इस वर्ड का यूज करेंगे बार बार में,
तो हमें पता होना चाहिए ध्रुवण का मतलब, ये पूरी प्रोसेस आ गई है ध्रुवण में कि विद्युत क्षेत्र अप्लाई करना, इसके बाद इनका संरेखित होना, इसके बाद रिजल्टेंट जो है द्विध्रुव आघूर्ण प्रोड्यूस होना, वो पूरी बात जो है वो क्या कहलाती है ध्रुवण। इसलिए एक वर्ड के अंदर सारी बातें आ जाती है, ठीक है। तो ध्रुवण की बात हम कर रहे थे, ध्रुवण की अगर परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डिफाइन हमने कर लिया कि ध्रुवण क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम यहाँ आरोपित करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अणु उपस्थित है, वो सारे संरेखित हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये इसी ही क्या कहते हैं ध्रुवण कहते हैं। तो इसी शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का उत्पन्न होना ध्रुवण कहलाता है। अब ये सारी जो प्रोसेस है इस ध्रुवण को एक वर्ड को ही हम यूज करेंगे, इसलिए ध्रुवण के अंदर ये सारी बातें इंक्लूड है। इसके अंदर एक बात और पूछ लेते हैं शॉर्ट डेफिनेशन, एक रेखीय संदेशिक पराविद्युत है, ये भी पराविद्युत है। रेखीय, रेखीय का मतलब विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, ये बात कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये संरेखित हो जाते हैं, लीनियर के अकॉर्डिंग ये व्यवस्थित हो जाते हैं रेखीय रूप से, इसलिए इसे रेखीय कहते हैं। तो जिनमें विद्युत क्षेत्र जो है उसके कारण जो जो आघूर्ण उत्पन्न हो गए हैं वो समानुपाती हो, इसका मतलब कि P की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करे, E पे डिपेंड करे, यानी अगर E बड़ा इंक्रीज हो रहा है तो P भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के जहां द्विध्रुव आघूर्ण समानुपाती हो, यानी वे पदार्थ जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं संदेशिक पराविद्युत पदार्थ या रेखीय संदेशिक पराविद्युत पदार्थ। सारे पराविद्युत जो है वो संदेशिक नहीं होते हैं, यानी सारे पदार्थ ऐसे नहीं है पराविद्युत जिनमें जितना विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे उतना ही वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाए या उतना ही ध्रुवण की स्थिति उत्पन्न हो जाए। सब ऐसा नहीं है, क्योंकि सब जो है वो इंटरनल पदार्थ पे डिपेंड करता है, वो पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करेगा कि वो पदार्थ कैसा है उसके अनुसार उसमें ध्रुवण होगा। सभी पदार्थों में ध्रुवण की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है, वो उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहां से अब एक बात ये आ गई कि जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो द्विध्रुव आघूर्ण का मान, और द्विध्रुव आघूर्ण को किसे लिख रहे हैं पी से, किसके समानुपाती हो ई के समानुपाती हो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, पी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर, तो पी इज इक्वल टू काई ई, इसे काई लिखते हैं काई ई। यहां ई, इस ई का मतलब है ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये काई हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो उसको काई हम लिख देंगे, तो पी इज इक्वल टू काई ई ई, ये एक फॉर्मूला है जिसका आगे यूज करेंगे हम। ये कहां से आया, इस डेफिनेशन से आया है। अब यहां पर काई क्या है, यहां पर काई जो है उसको कहते हैं पराविद्युत पदार्थ की प्रवृत्ति, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पराविद्युत पदार्थ की प्रवृत्ति कहते हैं इसे। अब इसको डिफाइन करना हो तो काई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी अपॉन ई। अब पी भी किसका भाग है, विद्युत क्षेत्र का ही भाग है, इसलिए पी का और ई का जो यूनिट है वो सेम है, इसलिए ये जो यूनिट है यहां लिख रहा हूं काई ई जो है वो आ जाएगी पी अपॉन ई, और ये जो है यूनिट लेस क्वांटिटी है, मात्रहीन और विमाहीन राशि है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। काई इज इक्वल टू पी अपॉन ई, तो पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई होता है, यानी ये भी एक डेफिनेशन हो गई। बाद में आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि ध्रुवण सदिश का जो मान है आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यहाँ काई एक नियतांक है जिसे पदार्थ की प्रवृत्ति कहते हैं, पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं इसे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक आप इसकी जो आज हमने पढ़ाई सारी इसकी बेसिक बातें इनको थोड़ा आप रिवाइज कर ले अच्छी तरह से, क्योंकि जितने वर्ड हमने यूज किए हैं अभी तक हमने इनके सारे मीनिंग समझ लिए, अब हम आगे इन डायरेक्ट वर्ड का यूज करेंगे। ध्रुवण है तो केवल हम ये बोलेंगे कि ध्रुवण के कारण ये हो गया, अब आपको पता होना चाहिए ध्रुवण में ये सारी स्थितियां इंक्लूड है। बाकी नेक्स्ट क्लास